नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, यह बिटकॉइन और मेटिक का एक क्विक अपडेट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर बात करें बिटकॉइन की प्राइस को लेकर, तो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 38,883 डॉलर के आसपास, और अभी बिटकॉइन के अंत एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटकॉइन को यहां पर सपोर्ट मिलने वाला है 38,000 डॉलर के आसपास। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो बिटकॉइन को जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 40,000 डॉलर के आसपास मिल रहा है। और मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आरएसआई को लेकर कि यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आरएसआई की वैल्यू 70 के आसपास देखने को मिल रही है। तो अभी आपको वेट करना है, अभी आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब जब आरएसआई देखने को मिलती है तब तब आरएसआई को वहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, और ऐसे में आरएसआई की वैल्यू 70 से नीचे देखने को मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे देखने को मिलेगी। और एग्जैक्ट फ्रेंड्स वैसा ही हुआ है, यहां पर आरएसआई की वैल्यू बार बार 70 से नीचे देखने को मिल रही है और बार बार आपको बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको वेट करना है, क्योंकि यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आरएसआई 50 के आसपास अपना सपोर्ट बना रहा है। अगर बना लेता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बना पाता है और आरएसआई की वैल्यू 50 से नीचे आती है तो फ्रेंड्स आपको बिटकॉइन में और डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बिटकॉइन को मेजर सपोर्ट मिलने वाला है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि 38,000 डॉलर के आसपास, या फिर उससे प्राइस नीचे आती है तो 37,500 डॉलर के आसपास। फ्रेंड्स, अभी यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको कल बताया था कि यह एक फेक पंप भी हो सकता है, तो अभी आपको यहां पर सावधान रहना है। अभी देखना यह है कि बिटकॉइन यहां पर 40,000 डॉलर से लेकर 39,365 डॉलर को होल्ड करता है या नहीं। अगर कर लेता है तो फ्रेंड्स और बिटकॉइन के अंदर अपने को रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, बात करते हैं अपन मैटिक कॉइन को लेकर। फ्रेंड्स, अगर मैटिक कॉइन की बात करें तो फ्रेंड्स मैंने आपको मैटिक कॉइन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था, और वो था 1.3040 के आसपास का। और फ्रेंड्स, मैंने आपको आज से 2-3 दिन पहले एक बात बताई थी कि जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी तो मैटिक बीएनबी इथेरियम के अंदर आपको बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल बताया था 1.3040 का, उस लेवल से मैटिक कॉइन के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और मैटिक की प्राइस देखने को मिली थी 1.60 के आसपास, और राइट नाउ फ्रेंड्स 1.60 के आसपास ही मैटिक को एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। अभी मैटिक की प्राइस चल रही है 1.5247 के आसपास। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखना यह है कि मैटिक 1.6 को यहां पर ब्रेकआउट करता है या नहीं। अगर करता है तो फ्रेंड्स यहां पर मैटिक की प्राइस में और अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आपको यहां पर बिटकॉइन के ऊपर अपनी नजर रखनी है, और उसके साथ में यहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे वेट कॉइन के बारे में पूछ रहे थे कि सर वी चैन कॉइन के बारे में बता दीजिए कि इसे होल्ड रखना चाहिए या नहीं। तो देखिए मेरे भाई, वी चैन कॉइन के बारे में जल्दी एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि वी चैन कॉइन बहुत पावरफुल कॉइन है। मैं खुद इसे बहुत बड़े अमाउंट के साथ में होल्ड रख रखा हूं और आगे भी होल्ड करने वाला हूं। मैंने आपको जितने अल्ट कॉइन बताए हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी रिसर्च के बाद बताए हैं। फ्रेंड्स, आपको यहां पर पैनिक में आकर सेल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, यह एक क्विक अपडेट था, और सारी अपडेट्स मैं आपको लगातार देते रहूंगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।